चुनाव की तैयारियों को लेकर संभल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 25-25 के इनामी तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों गैंगस्टर के वांछित अपराधी हैं, जिनके पास से तीन अवैध तमंचा, छह कारतूस बरामद किए गए हैं। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी चुनाव जीत को शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भेजोई थाना पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 25-25 हज़ार के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे, जिनके पास से तीन अवैध तमंचा, छह कारतूस बरामद किए गए हैं। एक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब तीन इनामी बदमाशों पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जिले के कुल 50 अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज पहली बड़ी सफलता अर्जित करते हुए सीओ संभल, सीओ अपराध जो है जितेंद्र कुमार, इनके नेतृत्व में सर्विलांस और एसओजी की टीम व भेजोई पुलिस की टीम के द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त 25-25 हज़ार रुपए के इनामी हैं। इनके नाम सत्यभान, ये थाना धनारी का रहने वाला, हरिओम थाना हयात नगर, राजेश थाना धनारी का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर व अन्य कुल 8 अभियुक्त अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। इनके चेकिंग में से इनके पास से तीन अवैध शस्त्र व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके अनुसार भी विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए इन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये लोग गैंगस्टर के अपराधी हैं और लूट के मुकदमों में पहले भी जेल जा चुके हैं। इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध संभल जनपद की पुलिस के द्वारा लगातार अगले एक महीने में अभियान चलाया जाता रहेगा, जिससे कि हम लोग शांतिपूर्वक चुनावों को कराने में सक्षम हैं।